आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं वन टू वन स्कूप। आपका स्वागत है वन टू वन स्कूप में। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि वक्त किसे कहते हैं और औकाफ के मानी क्या आते हैं? वक्फ और औकाफ जो है, टर्मिनोलॉजी जो इस्तेलाह है, वो उसका पर्पज़ स्पेसिफिकली इस्लाम मज़हब से है। वक्फ कहते हैं जब कोई मुस्लिम अपनी ज़िंदगी भर की कमाई हुई मिल्कियत जो है अल्लाह के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, जब उसका हक छोड़ देता है जी, और उसका फ़ायदा वो मखलूक, अल्लाह की मखलूक को पहुँचाने के लिए नीयत से वो अपनी प्रॉपर्टी को दे देता है, डोनेट कर देता है, उसको आमतौर पे वक्फ कहा जाता है। इसमें डोनेट करने में और डेडिकेट करने में फर्क, यहाँ डेडिकेट की जाती है प्रॉपर्टी। जब भी कोई मुस्लिम अपनी ज़िंदगी भर की कमाई हुई ज़मीन जायदाद या पैसा या और भी कोई उसकी मिल्कियत है वो अल्लाह की राह में दे देता है, छोड़ देता है उसका हक, उसको आमतौर पर वक्फ कहा जाता है। अवकाफ वक्फ की जमा है, प्लूरल है, उसको अवकाफ कहते हैं। तो वक्फ के अंदर में ऐसा है कि सारी इस्लामिक जो प्रॉपर्टीज़ है, जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है, जिसमें मस्जिद, सारी मसाजिद है, दरगाहें हैं और मदारिस है, इबादत खाने हैं, कब्रिस्तान हैं, ये सारी चीज़ें वक्फ की डेफिनेशन में आती है। ये सारी वक्फ कहलाई जाती है। इसमें दो तरह का वक्फ होता है, एक तो वक्फ एक वक्फ बाय यूज़र होता है, जो वक्फ ऐसे बहुत सी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे हमको पता है कि मसाजिद सालों से सैकड़ों सालों से मस्जिद है जी, अब उसका कौन डोनर है, वाकिफ कौन है, ये पता नहीं होता है, तो उसको वक्फ बाय यूज़र बोलते हैं। बाय यूज़ में है वक्फ, पब्लिक ये उसका यूज़ कर रहे हैं, तो इसको वक्फ बाय यूज़र कर, जैसे कब्रिस्तान है, बहुत से पता नहीं किसने दिया है, किसने डोनेट किया है, तो डोनेट करने वाले को वाकिफ कहा जाता है, उस प्रॉपर्टी को वक्फ कहा जाता है, और जो वो प्रॉपर्टी मैनेज करती है इंस्टीट्यूशन, उसको मुतवल्ली या मैनेजमेंट कमेटी या ट्रस्टी कहते हैं जी। तो ये इस्तेलाह जो है ये ख़ास करके इस्लाम मज़हब के मानने वालों के लिए है, और ये वक्फ पर कोई अपनी प्रॉपर्टी अगर वक्फ करता है तो उसको सवाब भी होता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए हमारे यहाँ हिंदुस्तान में वक्फ का कानून बना हुआ है, 1995 का एक कानून है, वक्फ एक्ट 1995। तो उसे उसके तहत ये सारी प्रॉपर्टीज़ गवर्न होती है जी। सर, क्या जो गैर मुस्लिम है वो अपनी जायदाद को भी वक्फ कर सकता है क्या, कोई अगर गैर मुस्लिम देना चाहता है? हाँ, ऐसा बहुत मतलब होता है कि कोई एक वक्फ जब फॉर्म हो जाता है, इस्टेब्लिश हो जाता है, तो उसको गैर मुस्लिम भी अपनी प्रॉपर्टी देते हैं। जैसे हमने देखा है कि यहाँ बाबा ताजुद्दीन की दरगाह है, बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, उसको ज़मीन दी है किसी हिंदू राजा ने, तो वो भी वक्फ कहलाती है। सरकार अगर कोई ज़मीन अपने गिफ्ट करती है किसी वक्फ इंस्टीट्यूशन को, तो वो भी वक्फ की डेफिनेशन में आती है। तो गैर मुस्लिम भी वक्फ कर सकता है, वो भी वक्फ की डेफिनेशन में आए। एक मरतबा उसने वक्फ कर दिया और वो मालिक, वो इंस्टीट्यूशन उसके मालिक बन गई, तो फिर वो प्रॉपर्टी भी वक्फ ही कहलाती है। इसमें किस तरह की संपत्तियाँ या जायदाद वक्फ की जा सकती है? ऐसा दो तरह नहीं, इमूवेबल और मूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज वक्फ की जाती है। आमतौर पर कोई ऐसा है कि अपनी ज़मीन, अपना मकान, जायदाद, इसका वक्फ नामा लिख देता है, वक्फ कर देता है। लेकिन वक्फ ये भी होता है, जैसे अगर मैंने अपने किसी सवाब की नीयत से कि लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कोई कुआं खुदवाया या कोई हॉस्पिटल बनवा दिया या कोई इमारत बनवा दिया, और उसको इसके लिए मदरसे के लिए या मस्जिद के लिए वक्फ कर दी, तो वो भी वक्फ कहलाती है। अगर चार लोग मिलकर के पैसा जमा करें, कैश जमा करें, और वो किसी बैंक अकाउंट में रखे, और फिर उससे कोई फलाह बहबूद का काम करना चाहे, और उसमें नीयत लेकिन खालिस नीयत अल्लाह की राज़ी करने वाली हो, तो ये सारी प्रॉपर्टी भी वक्फ कहलाती है।